अनंत इस हफ्ते हमारे साथ हैं अब तो स्टार बन गए अब कमिंग एक्टर भी नहीं बोल सकते जीशान हाय है, कैसे हैं आप हाँ एकदम बढ़िया क्या सब चल रहा है लाइफ में एकदम कैसा लग रहा है स्टारडम स्टारडम जो भी ये शब्द है अच्छा लगता है सुनकर तो। सुनने में हाँ बच्चार महसूस कहाँ कहाँ कहा हो रहा है अब एक्चुअली महसूस से आगे चली गई पहले शुरुआत में महसूस होता था जब लोग पहचानना शुरू कर रहे थे ना तब बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, थी कि अरे यार अरे इसने पहचाना फिर वो अला होता है ना कहीं कहीं सड़क पे घूम रहे हैं और एकदम सडनली लोग आपस में बात कर रहे हैं अरे फ़लाना ढमकाना तो वो एक्साइटमेंट थी फिर इरीटेट भी हुआ उससे क्यों? कि यार यार प्रविसी एक लेवल पर ना वो शुरू में आदत होती नहीं है आपको तो आपको लगता है कि अरे यार मैं खाना खाने बैठा बैठाऊँ फैमिली के साथ कोई आदमी आ जा रहा है कि अरे सर एक फ़ोटो चाहिए फ़लाना चाहिए ढिमकाना चाहिए नाउ इट्स सेटल्ड अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है और है जो भी है तो ऐसा भी होता था कि अरे सर फोटो खिंचाते क्या नाम है आपका साहब एक बार शुरुआत में तो मतलब <laughs> इतना हुआ है ना कि भीड़ देख के होता क्या अभी भी एक्चुअली वही होता हुँ. है कि आप कहीं जाइए तो लोग इतने अपने आप में बिजी होते हैं कि उनका ना ध्यान नहीं रहता भाई आप किसी मॉल में गए वो शॉपिंग के लिए आया है बेचारा बेचाराया दोस्तों के साथ घूमने आया जो भी करने आया इंसान अब वो अपना कर रहे हैं उसके बीच में अगर कोई एक पहचान जाए तब लोग पहचानते हैं अब ये कम मक़द सोशल मीडिया के चक्कर में एक और रायता शुरू हुआ है कि सबको ये है कि भैया हमें फ़ोटो डालनी है तो उनको दिखता है कि इसे एक आदमी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो अभी भी कई बार हो जाता है मतलब अब कम है पर होता है फिर भी कि एकदम से आगे सर सेल्फी सर हमारे साथ सेल्फी और एकदम आए और आके एकदम से कि सर क्या करते हो अब क्या करते हो भी पूछा गया नाम तो छोड़ दो यार भाई फोटो खिंचवाते हैं तुम जैसों के साथ यही काम है और इसका निकाल पचास रुपये हर फोटो का बहुत सारे रोल्स आपने किए लेकिन जो रोल मेरे मन में एकदम भाया ना चिंटू <laughs> लॉयर कंधा क्योंकि वो कंधे वाली फिलासफी जो है आपने तो चलो फिल्म में यू नो तनु मनु रिटर्न्स में वो आ, दिखाया बट वो कंधा हर लड़का होता है जो लड़की पटाना चाहता है आ, कि ब्रेकअप हुआ है मैं कंधा दूंगा मेरे आ, से पटेगी तो ये उसमें कितना इम्प्रोवाइजेशन था और कितना स्क्रिप्टिंग था नहीं नहीं ये तो कंधा वाला तो कम्प्लीट स्क्रिप्ट था उसमें कोई बात ही नहीं वो हेमांशु मेरा कॉलेज का दोस्त है पुराना दोस्त है हम ऐसी बात बात हो रही थी तो हेमांशु ने बोला कि अरे स्क्रिप्ट सुनने आ जाओ मैंने कहा ठीक है आते हैं तो मैं गया स्क्रिप्ट सुन रहा था और सही है शुरुआत में वो शेर से आएगा और फिर हो, ये होगा वो होगा मैंने कहा इंटरेस्टिंग जा रहा है जैसे ये कंधे वाला सीन आया हाँ। <laughs> मैंने एकदम से मैं कर रहा हूँ <laughs> तो बोला नहीं कर तो तू रहा ही था मैंने कहा हाँ लेकिन अब तो मैं और ज्यादा अंदर घुस के करूंगा तुम्हें जिया हो ये हर लड़का साहब मैं कह रहा हूँ मैं तो छोड़ो आप जितने लोग अभी देख रहे होंगे हर लड़का जो है इसीलिए कनेक्ट करता है चिंटू से क्योंकि सब कंधा रहे सब नई वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढी है कि अरे ये लड़की अभी दुखी है फ़ौरन पहुँच कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ टेंशन मत लो ये सुना गया है आजकल आपके बारे में कि अब आप दोस्ती करना छोड़ रहे हो दोस्ति? फिल्मों में कि अब मैं किसी का दोस्त बन के नहीं आऊँगा भैया <laughs> मैं पार पा गया उससे अच्छा मैं आपको आने से बताऊँ मुझे ना उस तौर पे कोई दिक्कत नहीं है भाई मैं एक्टर हूँ आप मुझे अच्छा कैरेक्टर दीजिए मैं कर लूंगा पंगा यह है कि यहाँ पे ना मैं भी पीछे भी एक बार बोल रहा था तो होता क्या है कि राइटर्स जो लिख रहे हैं दोस्त का कैरेक्टर उससे ये पता लग जाता है आपको क्लियर कि ऑडियंस का आई कितना मांगते हैं ये लोग क्योंकि वो जिस तरह के सवाल पूछ रहा होता है कि उनको लगता है यार ऑडियंस ये सवाल आएगा दिमाग में तो इससे पूछवा देते हैं हीरो अपना जवाब दे देगा उसका पंगा यह है कि मेरा ये मानना है कि भैया रिस्पेक्ट इतनी कम होती जा रही है शायद ऑडियंस की इन लोगों की नज़र में कि खराब से ख़राब ही लिखते चले जा रहे हैं तो दोस्त का कैरेक्टर इतना ज़्यादा डम होता जा रहा है तो मैंने कहा नहीं भाई मैंने सिर्फ छह करे अनफॉर्चुनेटली उनमें से चार फिल्में जो हैं वो बहुत चल गई मतलब एक्चुअली शुरुआत में वो जन्नत टू रंझणा एंड उससे पहले मेरे ब्रदर मेरे के दुल्हन तो एक्चुअली ये तीन फिल्में एक साथ आई थी फिर सीधे रईस आई रईस बहुत चल गई एक्चुअली तो लास्ट की दो फिल्में हीरो के दोस्त वाली चली नहीं है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और

कोई बात नहीं लोग बहुत तीनों खानों के साथ तो आपने हाँ ये रहा कि भाई तीनों खानों के साथ बच्चन साहब के साथ तो मैंने कहा भाई एक लेवल पे तो अपना ना वो हाँ, टिक मार्क हो गया बहुत जल्दी टिक मार्क हो गया तो अब अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं जिसमें मुझे कैसा काम करना है उस पर फोकस किया जा सकता है तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया भाई अब किसी का दोस्त नहीं बनना अब खुद हीरो बनेंगे मैं तो एक लाइन भी बोलता हूँ मेरे दोस्त बहुत कल्प है मैंने बोला यार हमने हीरो का दोस्त इतनी बार कर लिया है अब आप साले अपने सारे दोस्त गए अपने आपको हीरो समझने लगे अरे <laughs> वाह अच्छा माशाल्लाह जवान हो तो ये स्कूप में छाई हुई थी ये बहुत लोगों ने बोला मुझे है? जब मैं साइन कर रहा था मुझे तो सही में डर लगा मैंने कहा आदमी इतनी जल्दी इतना बुढ़ा हो गया <laughs> नहीं ये यही फन था यार मैं आपको बताऊँ पंगा क्या हो जा रहा है इतना ज्यादा ना सेम से हम लोग हमेशा बैठ के बात करते रहते हैं और मैंने कहीं एक्ट्रेस का भी देखा हुँ. कि हम लोग बात करते हैं कि अरे यार, यार मुझे टाइप पास कर दिया गया और फिर मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ बड़ा खराब किया गया ये वो बात ये है कि एक्टर के तौर तो पर हम काम करना ही बंद कर दे रहे हैं कैरेक्टर अच्छा लग रहा है uh, ये वाले रिजर्वेशन बीच में मेरे भी आने लगे थे मैं भी करप्ट हो गया था कि नहीं यार बच्चा अगर है मेरे कैरेक्टर का तो कितना बड़ा बच्चा होगा नहीं मेरा पाँच छः साल से ऊपर का बच्चा नहीं होगा तो मैं अपना एज ग्रुप कितना रहेगा एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ आइडियली आई एम एन एक्टर वट the द रोल जो अगर रोल अच्छा है तो भाई मैं सत्तर साल का आदमी बनने के लिए भी तैयार हूँ आप मुझे बोलेंगे जितना खींच पाऊँगा अपने को, उतना जवानी की तरफ आने के लिए भी तैयार हूँ एंड आई एम रेडी तो जैसे हुआ क्या करना है सफ़ेद बाल मैंने कहा कर दो दाढ़ी सफ़ेद कर देंगे और दाढ़ी में तो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होती वो वो होता ना दो बाल आते हैं वो आई थिंक लोगों को भी पता होगा सबको कि आपके दो बाल सफ़ेद आए आपने उस पर एक बार कलर लगाया तो जितने हिस्से में कलर लगा था वो आपका सारा सफ़ेद तो वो करते करते तो ये वाला पार्ट जो है मेरा ऑलरेडी हो गया सफ़ेद हो गया है ये यहाँ का एक हिस्सा अच्छा। तो उसको मुझे कलर करना पड़ता है बट uh, हाँ मतलब मुझे वही था उसके लिए वेट वेट बढ़ाना मैंने कहा नहीं यार मैं वेट बढ़ाऊँगा आई एल गिव फोर मंथ्स ओनली टू दिस प्रोजेक्ट उस टाइम मैंने और कुछ नहीं mm -hmm. शूट किया एंड थोड़ा वो पेट वेट निकला हुआ है कुर्सी पर बैठने वाला आदमी है तो होगा तो बहुत टाइम बाद ना उस तौर पर एज़ एज अ स्टार काम ना करके

जब एकदम ऐसा हो जाता है कि भैया बहुत ज़्यादा आगे के एक्टर्स हैं एक्टर हैं वो होता है अक्स मैंने मतलब वो एक क़स्सा भी है मेरा कि मैं बॉम्बे आया था 2003 में कॉलेज के बाद ना हवाबाजी आपको लगता है यार आप स्टार हो कॉलेज के ड्यू में आप निकलते हो तो लोग पहचानते हैं आपको कि यारे ये फ़लाना रोल करा है ना तुमने उस प्ले में ये ढमकाना किया है तो अपन स्टार हैं अपन मूड आके बॉम्बे आ गए के रेलवे स्टेशन पर शायद चार प्रोड्यूसर खड़े होंगे कि यार यार कहाँ थे तुम मैंने अक्स देखी टी वी और मैं होश में आ गया मुझे समझ में आया भाई साहब आप ना अभी एक्टर हो नहीं आपकी शुरुआत हो रही है मे भी पोटेंशियल हो सकता है पर अभी तो एक्टर नहीं तो आई वेंट बैक टू डेली मैं वापस चला गया था अपनी एमएससी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा था फिर मेरे दोस्त ने एनएसडी भरवा दिया मुझसे थोड़ा ज़बरदस्ती और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा एडमिशन भी हो गया आवाज़ अच्छी है कभी रेडियो वेडियो ये सब का थिएटर भी करते हो कोशिश नहीं की नहीं कोशिश नहीं की ईमानदारी के बाद लेकिन बड़ी अजीब सी चीज़ है देखिए मैं आपको अगर आवाज़ का बताऊँ ना ये अजीब गेम है मैं शुरुआत में मुझे गाली पड़ती थी मेरी आवाज़ के लिए कह रहे यार बड़ी ख़राब आवाज़ है आ, ऐसा लगता है गले में कुछ अटका क्लैरिटी नहीं है हाँ क्लैरिटी नहीं है थोड़ा साफ साफ करके बोलो शब्द साफ़ हैं आवाज़ साफ़ नहीं है गले में कुछ अटका है पता नहीं क्या है ये वो आई थिंक पहली बार आवाज़ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था जब मैं एन का इंटरव्यू दे रहा था तब पहली बार ना ये वाला हुआ एक एकदम मुझे बोला गया कि इतनी अच्छी आवाज़ है तुम गाना आ, क्यों नहीं गाते हो ट्राई किया करो तो मैंने कहा सर मेरी आवाज़ अच्छी है बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है मिमिक्री मिमिक्री डू? Honestly, मिमिक्री डू डू यू ऑनेस्टली जैसी मिमिक्री मैं नहीं। कुछ नहीं करता हूँ पर हाँ वैसा वाला है ना कि कभी कुछ बताते हुए जैसे मेरे कई दोस्त बोलते हैं कह रहे यार तुम बढ़िया मिमिक्री करता है करता क्यों नहीं है तू लोगों की मेरा पंगा ये कि मुझे ना मिमिक्री आती नहीं मेरी किसकी बोलते हैं ये जैसे मेरी आवाज़ थोड़ी सी पीयूष भाई से मिलती है हल्का सा बोलते हैं तो पीयूष भाई का एक कई तरीका आ जाता है बट अब जैसे अभी आप मुझसे बोलेंगे अभी पीछे भी हुआ मेरे एक उसमें के जो मुझे बोला जाता है ना तो मुझसे होता नहीं मैं कोई किस्सा सुना रहा हूँगा एंड मेरे दिमाग में ये है नहीं कि कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है मैम करना तो कई बार ऐसा होता है कि फ्लो में ना उस तौर पे निकल आता है ऑल यू हैव टू डू इज कट योर सेंटेंसेस हाफ और बीच में सांस से हो जाएगा थोड़ा क्लैरिटी तो, सबसे पहला प्ले जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा हूँ हाँ। आपके साथ भी वही एक साइज बड़ा कपड़ा खरीद के देती थी, <laughs> ये, ये तो थी पर हाँ लेकिन <laughs> अपना वो वाला था कि एक साइज बड़ा और उस टाइम तो बिल्कुल ही हड्डी था मैं मतलब बदन पर कुछ नहीं सिर्फ हड्डियाँ थी और अच्छी शुरुआती बातें करें <laughs> वो। एक गरीब हैरी पॉटर से पकड़े हो <laughs> ये है मेरे एन एस डी थर्ड ईयर का ये थर्ड ईयर में है आप फाइन एस डी थर्ड ईयर का फाइनल पे आठवीं का बच्चा नहीं है <laughs> हाँ मतलब वो तो है अपन यंग तो लगते थे ये बात तो है, 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 है। उस टाइम तो बहुत ज्यादा ये आई एम इसके टाइम पे आई एम ट्वेंटी फोर नहीं अरे वही तो मैं कह रहा हूँ अपनी उम्र से कम लगता था बहुत ज्यादा तो ये मेरा थर्ड ईयर का प्ले है कैंडिडा बट नॉट का प्ले है और ये कैरेक्टर में कर रहा था यूजीन का एक आपकी आंखों में ना वो पागलपन वाली चमक वो <laughs> कि, कि, कि इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है पागल हैं अपन <laughs> <laughs> अपने को अपन दिल्ली के हैं अपन हमेशा एच पे जीते हैं वो हल्की वो लाइन मुझे बहुत पसंद है मार्बल फैंस पकड़ लेंगे वो है ना वो एवेंजर्स में पूछते हैं <laughs> कि व्हाट इज़ योर ट्रिक आई कि ऑलवेज ऑन कि कभी भी हल्क बन सकते हैं कभी भी तो वही खेल अभी वो स्टेटस आ गया है जब सेट्स पे जाते हो गुस्सा दिखाते हैं या अभी साथ? भी अभी भी वही कि आप जो बोलेंगे करेंगे सर अब वो स्टेटस आ गया है गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा <laughs> पागल है इसकी तब पलट जाएगा पता नहीं अपने आप चीज़ें जो है स्मूद होने लगी हैं अब वो अलग टाइम आ गया इफ़ इट्स ए सेंसिटिव टॉपिक अस नो तांडव के बाद आप ज़रा इंडस्ट्रीज थोड़े मायूस से हो गए थे कि यार ये क्या दोगलापन चल रहा है कि सब ऐसे वही वाली बात है ना कि लोग किन चीज़ों में कितना डरे हुए थे इस बात का अंदाज़ा लगता है आपको कि उसके बाद जैसे वही हुआ था मैं क्या बोलूँ मतलब मैं इतनी बार बोल चुका कि लोग बोलेंगे अरे यार, बोल यार देखो अभी अपना आरआर लेके बैठ जाता है हर बार पर हाँ मतलब उसके बाद अगले छः महीने तक जो आर 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 या सिर्फ आर सिर्फ आर आर दो <laughs> <laughs> नॉर्थ इंडिया का फेमस तो मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ अभी सबके सामने लेकिन हाँ मतलब छः महीने तक एक वाला हुआ था कि साइंड प्रोजेक्ट्स में से हटा दिया था तो आई थिंक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था डिसपॉइंटिंग था और एक लेवल पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अच्छी होती हैं ब्लेसिंग डिस्गाइज होती है आपको ना असली चेहरा दिख जाता है तो एक्सपेक्टेशन ना और ऐसी पहले ही कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी नहीं मेरी लोगों से पर वो और नीचे आ गए हाँ, अपना आराम से आप अपना काम देखो इन लोगों के चक्कर में पन्ना नहीं है कुछ मैं डार्क दा, करने का मन नहीं करता है। यार। सब अच्छा आदमी लेके आ रहे हैं पंगा ये वो, है वो जो वो जो पागलपन है ना वो मतलब बैटमैन का जोकर बनने की इच्छा करने तो वही आए थे साहब हमें तो लगा था यही सब देंगे मुझे नहीं मालूम था भाई बना बना देंगे देंगे दोस्त अच्छा आदमी बना देंगे यार मेरे मेरी बीवी बोलती है कहती है ये लोग तुम्हें जानते नहीं है ना <laughs> ये ये तुम्हें अच्छे इंसान के रोक क्यों देते हैं इतने मैंने कहा भाई ठीक है उनको ऐसा लग रहा है हुँ. अब कम वक्त वही है कि स्कूप चल गया तो अब और ज्यादा <laughs> क्या लोग हैं यार हमने बहुत रिसर्च किया <laughs> कहीं नॉट इवन अ सिंगल पर्सन डू आई फाइंड और कमेंट समबड़ी ट्रोलिंग यू फॉर योर वर्क कुछ तो कंटेंट ट्रोल्स को दे दो गिव देम समथिंग टू मतलब सब अच्छा है रहेगा तो बुरा नहीं रहेगा मतलब अंधेरा नहीं रहेगा तो रोशनी का क्या फायदा भाई उन लोगों का तो देखिए ट्रोल्स का तो क्या है कि उनका तो दिल पे अभी वो कहीं और बिजी होंगे ऐसा थोड़ी है कि वो जो है उनको कुछ मिल नहीं रहा हाँ. तो गाली बकने में तो क्या है क्या यार पता ये बैठा हुआ था और देखो ये पैर जो है ऊपर रख के ऐसा टेढ़ाज नहीं है लड़के को जिसको बैठने की तमीज़ नहीं है हाँ तरफ कह रहे ट्रोल करने वाला तो इस बात में भी ट्रोल कर दे रहा है नीले कपड़े पहन के बैठा था नीले सोफा पे। नीले सोफे पे अक्टर? इन, इन लोगों का यही मसला है कुछ भी, तो भी को। तो भाई ट्रोल्स जो है वो तो पागल है अभी खाली हैं अगर मुझ पर ध्यान आएगा तो मुझे गाली बकना शुरू कर देंगे बहुत बढ़िया लगातार साहब से बात करके एंड आई मीन

ओ शीशा किस लिए है सर उसमें दिखता नहीं पूरा थी। इतने से शीशे पर करती थी एक तो उन दिनों में नहीं थी। मेंॉकड़ पहन लिया बटन खुले हैं आ गए कभी नहीं घर में माँ बहन नहीं है ऐसे शुरू विदाउट इंट्रोडक्शन ऐसी शुरू हो जाती <laughs> थी हमारी ये तो बोलते हम तो थे माँ बहन है जाने मन तू नहीं है अपने आप ही लिख देते है With Anand.